उद्धव ठाकरे फड़तूस नहीं कारतूस हूं मैं। क्या बोला? फड़तूस नहीं कारतूस हूं मैं, कारतूस हूं मैं। क्लाइमैक्स अभी बाकी। फड़तूस नहीं कारतूस हूं मैं। क्या? फड़तूस नहीं कारतूस हूं मैं। झुकेगा नहीं साला घुसेगा। झुकेगा नहीं साला घुसेगा। क्या बोला तूने? झुकेगा नहीं साला घुसेगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का खुद को कारतूस बताता यह वीडियो व सोशल मीडिया सुर्खियों में छाया हुआ है। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में जनसभा को संबोधित करते डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे को चैलेंज करते हुए खुद को कारतूस बताते कह रहे हैं कि वो एक कारतूस हैं और घुस जाएंगे। अब दोस्तों आप सोचिए, क्या बीजेपी के नेता मंत्री को यही गुंडे मामलों की भाषा आती है? कभी कारतूस तो कभी कुछ बोल रहे हैं। इसके पहले आपने प्रधानमंत्री मोदी को भी खुद की सुपारी देने जैसा शब्द बोलते हुए सुना था, तो कभी कब्र खोदने की बात बोल रहे हैं आप? दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी के नेता मंत्री की सड़क छाप भाषा पर क्या कहना चाहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर साझा करें। वहीं देवेंद्र फडणवीस का यह वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया यूजर्स जमकर तंज कस रहे हैं। मोहन नाम के यूजर लिखते हैं, विश्व गुरु भरी सभा में खड़े होकर सुपारी दिए जाने की बात करते हैं और उनकी पार्टी के नेता कारतूस बनकर घुसने की, और फिर यही पार्टी सभ्य समाज और सभ्यता संस्कृति पर ज्ञान बांटेंगे। सही पकड़े हैं। एक कहता है विरोधी ने सुपारी दी है, दूसरा कहता है मैं झुकेगा नहीं घुसेगा। ये माननीय लोग उच्च संवैधानिक पद पर बैठे हैं या सड़क छाप लोग हैं।